सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ, चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिस संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। अधूरे मन में मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। सबसे बड़ा अन्याय सहन करना और गलत के साथ समझौता करना है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को असफलता से घबराना नहीं चाहिए। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होता है। आज का पंचांग 4 मई 2023 दिन गुरुवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात्रि 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्र नामक नक्षत्र रात्रि 9:35 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:54 से 3:31 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 11:50 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर 9:20 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 4 मई 2023 दिन गुरुवार, अभी आप अपने अतीत और यादों से अलग महसूस कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों या आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ने के लिए एक छोटी सी यात्रा के लिए जा सकते हैं। प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए यह अच्छा समय है। आर्थिक लाभ भी आपके इंतजार कर रहे हैं। आज नए जीवन को शुरू करने और पुराने दोस्तों से संबंधों को सुधारने का सबसे बढ़िया समय है। नए सितारे आपके लिए आशा की नई किरण और असंख्य संभावनाएं लेकर आई हैं। असफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है, सही समय, सही सोच और सही तरीके का होना। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच कर परेशान हो। ऐसा सोचना प्राकृतिक है, लेकिन इससे आपकी घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होगी। यह समय बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देने का है। दिन की शुरुआत आप योग ध्यान से कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। आज आपको पैसों से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, जिसे सुलझाने के लिए आप अपने पिता या पिता तुल्य किसी आदमी से सलाह ले सकते हैं। संबंध आपके उदार स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चौकन्ने रही नहीं तो बाद में आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। उदारता एक हद तक ही ठीक है, लेकिन अगर यह अपना दायरा पार कर ले तो परेशानी बन जाती है। एक बार आप अपने साथी को हासिल कर ले तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं होती। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। आज आपकी कड़ी मेहनत कार्य क्षेत्र में जरूर रंग दिखाएगी। पैसा प्यार परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। जीवन साथी से निकटता आज आपको खुशी देगी। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखें, इससे अपने कार्यों को संपन्न करने में सहायता मिलेगी। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कार्य भी संपन्न होंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी। ना चाहते हुए भी कुछ जिम्मेदारियां निभाना होगा, इस कारण थकान हो सकती है। मान की वजह से दिनचर्या व्यस्त रहेगी। काम की वजह से दिनचर्या व्यस्त रहेगी, फिर भी खुद के लिए वक्त निकालने की कोशिश करते रहें। काम से जुड़ी बातों के लिए दिन उपयुक्त है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों को नजरअंदाज ना करें। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम में सतर्कता रखनी होगी। पुराने रिलेशनशिप के बारे में विचार करके खुद को नकारात्मक ना बनाएं। डायरिया और पेट संबंधित इन्फेक्शन भी हो सकता है। आज आप अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अपने कार्यों का आसानी से पूरा करेंगे। वाणी में मधुरता होगी। अपने मित्रों रिश्तेदारों से संबंधों में मधुरता रहेगी। आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। सावधानियां।
अफवाहों पर ध्यान ना दें। कुछ लोग ईर्ष्या की वजह से आपकी परेशानियां बढ़ा भी सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की तरफ और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। मित्रों के साथ किसी मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेंगे। निवास स्थान यानी होम प्लेस पर आपको सुकून और आपके मन को शांति मिलती है। आपका साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जिसके साथ बिताया समय आपके लिए यादगार और स्पेशल होता है। अपनी पसंदीदा गतिविधियों में उसे शामिल करें और प्रोत्साहित भी करें। अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। पुराने दोस्तों और रिश्तेदार आज आपकी प्राथमिकता रहेंगे। ख्यालों में भी अपने और अपने साथी के बीच की दूरियों को बढ़ने ना दें। इसका रास्ता मुश्किल तो है, किंतु एक दूसरे पर एतबार करने वाले मंजिल तक जरूर पहुँचते हैं। आप इस समय अपनी खुशी शारीरिक संबंधों में तलाश कर रहे हैं। कोई खास और अंतरंग आपके आसपास है और आप उसके आकर्षण से बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। जिन फलों को खाने की मनाही होती है, उन्हें हजम करना आसान नहीं होता। यह तय कर ले कि आपके इस मजे और साहस भरे अनुभव के परिणाम के रूप में आपको बाद में कोई परेशानी ना होने पाए। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपको अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए एक व्यवहारिक समाधान मिल सकता है और उसे लागू करने के लिए उचित दिशा में आप पहला कदम उठाएंगे। पिछले कुछ समय से धन की समस्याओं ने आपके नाक में दम किए हुए था, परंतु अब आप काफी हद तक इस पर काबू पा पाएंगे। हालांकि ये कदम कुछ मुश्किल हो सकता है, परंतु अंत में आप सही निर्णय लेंगे, जो कि काफी हद तक आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा और आप आर्थिक समस्या से बाहर आ पाएंगे। अभी आप कुछ अलग करने के बारे में सोच रहे हैं। शिक्षा में व्यवधान के योग है, लेकिन आने वाला समय आपको आपके अधिकार के बारे में अवगत कराएगा। नया वाहन, अचल संपत्ति या इमारत खरीद सकते हैं। नया चंद्रमा आपके जीवन में नई उम्मीदों और कई संभावनाओं को लेकर आया है। आज आप अपनी पेशवर बाधाओं को कम करने के लिए हर प्रयास करेंगे। अपने लिए अन्य विकल्पों को भी खुला रखें। भविष्य के लिए अपने बजट को संतुलित रखें और नए दृष्टिकोण के लिए नए सिद्धांतों का प्रयोग करते रहें। बिजनेस व्यवस्था बेहतर रहेगी। कामकाज में तेजी आएगी। कंप्यूटर तथा मीडिया से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर भी बनेंगे। सरकारी नौकरी में अपने मान सम्मान को लेकर बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। पेट में दर्द और गैस की समस्या रहेगी। ज्यादा गरिष्ठ भोजन करने से परहेज करें। संयमित दिनचर्या भी रखें। आज के दिन आपके लिए काफी उलझन भरा भी रहेगा। आपको कई तरह की सलाह तथा सभी दिशाओं में कई तरह के मौके दिखाई देंगे। आपको कई तरह की शक्तियां अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। इसके स्थान पर अपने मन की ही सुने। बेशक आपको इस वक्त अपने मन की सुनना और करना ठीक ना लगता हो। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।